नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन और मैदे का नमकीन बनाने जा रही हूँ। उसके लिए ये देखिए, ये मेरा आधा किलो से थोड़ा कम मैदा है और इस चम्मच से एक चम्मच ये बेसन है, एक चम्मच इस चम्मच से अजवाइन को इस तरह से कर लेना है, कर इसको ऐसे डाल दीजिए। इसमें हल्का नमक, बहुत नहीं नमक, अंदाज से डालिए जितना नमक खाना हो, और इसमें 2 चम्मच घी, सबको मिला लेना है। ये देखिए, इस तरह से एकदम पूरा मोइन को इसमें मिला लेना है। इस तरह से पूरा मिला लीजिए, इस तरह। तो मेरा मोइन बहुत सही पड़ा हुआ है, इसी तरह से इसको बनाना है। ये देखिए, आटा इस तरह से आप गूंद लीजिए। देखिए, अच्छे से आटा ये गूंद गया है, इस तरह से ही गूंदना है। अब इसे पहले हम इसका मसाला बना लें, इसी नमकीन का। ये देखिए, ये चाट मसाला 1 चम्मच, उसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच काला नमक। इस मसाले को चीखने के बाद ही सफ़ेद नमक डालना है। अगर नमक ठीक है तो सफ़ेद नहीं पड़ेगा, अगर नहीं सही है तो फिर इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालना है। इस तरह से इसको लोइया बना लीजिए, फिर इसको बेल लेना है। आप जितना बड़ा चाहे लोइया बना सकती हैं। आप लोगों ने बोला है चिकन में चिली डाले थे, वो भूजने से ही गल गया। चिकन को भूजेंगे तो चिली गल जाएगी, चिली में ज़्यादा जो है ना वो नहीं रहता है, वो खट से गल जाता है। उसमें टाइम का कोई वो नहीं रहता है कि इतने टाइम में गलेगा। और चिकन जब मैं भूजी उसमें चिली भी गल गया। ढक्कन ले लें ये छोटा सा, और इससे आप इस तरह काटिए, ऐसे कर करके ऐसे। ये देखिए, इस तरह से आपको इस तरह काट लेना है, पूरा इस तरह काट लीजिए। ये इसी तरह जितना है आपके पास सबको बना लें। देखिए, इस तरह से काट लीजिए, इसी से ये काटना है, आधा आधा करके। ये काजू की तरह होगा। ये आपको आसान तरीका बता रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है। इसमें आपका आसान तरीका, इतना चौड़ा चौड़ा आप इस तरह से काट लें, थोड़ा इस तरह से आप चौड़ा चौड़ा काट लीजिए। ऐसे काट कर इसको आप पूरा पट्टी इसका बना लीजिए, इस तरह लंबा लंबा। अब इसको थोड़ा दूर दूर कर दीजिए। अब इसको काटने के लिए देखिए, एकदम आराम से ये कट जाएगा। ये इसको निकाल दीजिए। अब इस तरह से आप काटिए, देखिए इस तरह से आप हाथ में लेते जाइए, एक एक ठो काट काट के। एकदम आसान तरीका है। देखिए, इस तरह से आपको
पूरा इस तरह से एकदम आसान तरीका है इसको काट के। अब इसको छानना है, मैं काट लूँ पूरा। ये देखिए तेल में चढ़ा दी हूँ, अब तेल गर्म हो जाएगा। रिफाइंड डाली हूँ और उसमें मोयन में देसी घी डाली हूँ और ये छानने के लिए रिफाइंड मैं डाले। आप जो भी चाहें मोयन में डाल सकते हैं या रिफाइंड या बटर जो भी। में डाल दी हूँ, अब ये एकदम धीमे आंच पर इसको बनाना है। बहुत तेज़ भी नहीं, बहुत धीमा भी नहीं, एकदम मीडियम साइज़ की आंच पर होना चाहिए। तेल एकदम गर्म हो जाए तभी डालना है इसको। ये देखिए इस तरह से आपको छान लेना है एकदम ब्राउन कलर में, जैसे एकदम मीडियम साइज़ की आंच पे इस तरह से आप कर लें। धीमा आंच पे सब छाने छनाएगा तो ये बहुत अच्छा बनेगा। इस तरह से आप निकाल लीजिए, देखिए सब हो गया। जो भी आपके पास हो सब इस तरह से आप पूरा को बना लीजिए, छान लीजिए, इस तरह से फ्राई कर लीजिए आप। पूरा इसी तरह से आप छान लीजिए। ये देखिए मैं तैयार हो गई। जो मसाला मैं बना के रखी थी इसमें इसको थोड़ा डाल दीजिए, अच्छे से डालकर इसको गरम गरम में ही इसको मिलाना होता है। इस तरह से पूरा मिला दीजिए, एकदम गरम रहे तभी इसको मिलाना होता है। ये देखिए तैयार हो गया मेरा ये काजू का नमकीन मैदे वाली, पूरा मिला दी हूँ मैं। ये नमकीन मेरी तैयार हो गई। आप लोग को अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।